नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज की चर्चा में आज हमारे साथ भारती जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शेफाली। भारती जी के बारे में आपको बताना चाहूंगी, मिसेज इंडिया अर्थ की अवार्ड विनर, द ट्रेंड सेटर का अवार्ड उनको मिला है। और हमारी भारती जी हमारे भोपाल की हैं, भोपाल का नाम रोशन किया है। फिलहाल वो पुणे में निवास करती हैं। भारती जी से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारती जी, आप भोपाल में जन्मी, भोपाल में आपका क्या था जन्म के बाद? आपने पढ़ाई कहाँ की, कॉलेज कहाँ से किया? टीटी नगर में मैं पैदा हुई थी, 1250 हॉस्पिटल। और मैं शुरू से बहुत जी टैलेंटेड कह सकते हैं, मम्मी पापा की देन और ऊपर वाले की। डिबेट्स, आई हैव गॉन टू नेशनल लेवल एंड पेंटिंग, डांस, ड्रामा, एमपी स्टेट लेवल की बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड भी जीता था मैंने जी। और कमला नेहरू स्कूल से 11th किया था, वहां प्रेसिडेंट रही थी। और उसके बाद मुंतर कॉलेज गई, वहां से बीएससी किया, फिर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, टीचिंग डिपार्टमेंट से एमएससी। और जब मैं एमएससी कर रही थी, उसी बीच 19 इयर्स प्लस में मेरी शादी हो गई थी। और आई गॉट वेरी गुड हस्बैंड, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, उस समय कैप्टन हुआ करते थे। तो मैंने अपनी रेगुलर कंटिन्यू किया एजुकेशन। और मुझे याद है बेटे के जन्म के 25 डेज के बाद मैं वापस रेगुलर कॉलेज अटेंड करने पहुंच गई थी। बहुत जल्दबाजी में आपकी जिंदगी एक बड़ा प्लेटफॉर्म गुजर गया। और 19 साल की उम्र में भारती जी की शादी हो गई थी और हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं। भारती जी की ये तो प्राइमरी जान पहचान हुई हमसे, लेकिन भारती जी शादी के बाद, इतने सालों के बाद आज आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और आप अवार्ड विनर रही हैं, वो क्या एक सिलसिला था? देखिए, सच बताऊं, मैं बहुत छोटी थी जब शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में आई और पहली बार अपने मेंटली चैलेंज ब्रदर इन लॉ से मिली, जो मुझसे उम्र में बड़े थे और 10 साल का आईक्यू उनका था। तो माँ तो मैं उस दिन ही बन गई थी। एंड फिर जल्दी अर्ली मदरहुड हुआ, तो कई बारी इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी फ्रस्ट्रेट भी होती थी, कभी परेशान भी होती थी। और हस्बैंड हाफ ऑफ द टाइम आर्मी में होने की वजह से बाहर पोस्टेड रहा करते थे, तो सारी जद्दोजहद, सारी जंग जो थी जिंदगी की, इन लॉज, आउट लॉज, चिल्ड्रन, सोसाइटी, ये सब कुछ मेरे सिर पे था। शादी के 14 साल बाद मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग विद कॉरपोरेट सेक्टर और आई वेंट इन टू ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग इज माई फोर्टे। सो आई डिड वेल एंड गॉट प्रमोशन एवरीवेयर। यहां तक भी मैं ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग, ग्लैमर, फैशन, इससे वो ये सारे जीवन की जद्दोजहद ने आपको एक ठहराव दिया जीवन में, जो देखने को मिल रहा है आपसे बात करते हुए हमको समझ में आ रहा है कि एक ठहराव है इनके जीवन में। स्कूल कॉलेज में भी आपने काफी कुछ किया, आपने जैसा बताया आप प्रेसिडेंट थी कॉलेज में, तो उस वक्त का समय कैसा था? केयरफ्री, स्ट्रांग लीडरशिप। मुझे याद है नूतन कॉलेज में एक रिक्वायरमेंट आई थी कॉलेज की तरफ से, हमें अपने कॉलेज को किसी इमेज रिलेटेड टास्क में अपने कॉलेज को प्रोटेक्ट करना था। जस्ट वन कॉल एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स ऑल 500-600 गर्ल्स दे वर इन द हॉल एंड आई वाज एड्रेसिंग देम। एंड उस समय की जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो आज तक, इनफैक्ट जो फ्रेंड्स नहीं भी थे मिल जाते हैं, वो आज तक याद करते हैं कि भारती, दैट वॉज द डे यू डिड द मिरेकल। सो यस, लीडरशिप शुरू से थी, बाद में रोल चेंज हुआ। कहा जाता है कि भूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, वैसे ही भारती जी का भी स्वभाव रहा है। बचपन से ही स्कूल कॉलेज से भी उन्होंने वो सब किया, उसके बाद आज वो इस जगह पर हैं। 40+ में भारती जी आती हैं और 40+ में 2 बेटों को भी संभालती हैं, परिवार संभालती हैं। सबसे बड़ी चीज एक मेंटल चैलेंजर को, जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनको भी अपने बेटे की तरह ही संभाल रही हैं, जो उनसे उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं। शायद यही वजह है कि उनके जीवन में एक ठहराव है, एक पेशेंस है, जो आज उनके साथ चलता है और उनके काम आता है। भारती जी, किसने आपको प्रेरणा दी कि आप इस तरीके के करियर में फोकस करें?
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. एक्चुअली आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज आई सेड. तो मैं आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का वर्कशॉप ले रही थी और जवान्स की वाइव्स को मैंने कुछ टास्क दिया था कि आके आप स्टेज पे प्रेजेंट करें और उन्होंने अपना दिल खाली किया कि मैम नहीं होता, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नहीं बोल पाएंगे. तो मैंने सिंपली पूछा कि व्हाट स्टॉप्स यू. सो इंग्लिश एक था और वो अपॉर्चुनिटी नहीं, एक्सपोजर नहीं. तो मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया कि देखो मैं एक एवरेज लुकिंग पर्सन हूं और ना फैशन में हूं ना ग्लैमर में हूं, लेकिन एक बात बता दूं, यदि मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में गई तो कुछ न कुछ अवार्ड लेकर आऊंगी. शायद यही यही आपके अंदर एक बात घर कर गई. जी, उसी रात सोते समय मैंने खुद से पूछा कि भारतीय क्या किया, ये क्या कहा. और उसी रात मैंने फिर गूगल किया. आई हैड अ स्मॉल डाउट अबाउट माय एज बिकॉज ऑलमोस्ट फेब में आई विल बी हाफ सेंचुरी. महिलाएं अपनी उम्र छुपा जाती हैं, बताती नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी दिलेरी की बात होती है कि एक टीवी चैनल पे कोई महिला अपनी एज बता दे और गर्व के साथ. भारती जी, महिलाओं के मन में ये रहता है कि कम से कम जितनी कम हो सके उतनी उम्र बताएं, तो आपका क्या रहता है? नहीं, मेरा एक ही मैसेज है सभी के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए. हर उम्र दर हर साल दर साल जो उम्र बढ़ती है वो जो एक्सपीरियंस ऐड होता है, वो जो रिलेशनशिप के साथ, समाज के साथ जो एक साल आपने गुजारा होता है, उसको यदि आप रियली अच्छे से अंतर्मन से देखेंगे तो वो विजडम में कन्वर्ट होता है और वो विजडम आपके ऊपर चार्म ऐड करता है, आपके ऑरा को वो विजडम खूबसूरत बनाता है. तो मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं ऐसा कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करूं जिसमें मैं ये बोलूं कि ग्रोइंग ग्रेसफुली इज अ मिरेकल एंड इट इज रियली मतलब प्राउड है. तो मुझे तो बहुत खुशी होती है ये बताने में कि दिसंबर में मेरे बेटे की शादी है और वो डॉक्टर है, छोटा वाला इंजीनियर है, और उनके साथ यदि एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है ना. आपकी प्रेरणा कौन रहा है ये आपका करियर में? दिन पर दिन आपने जो एक चैलेंज लिया और उस चैलेंज के पीछे दौड़ी और उसको हासिल भी किया, प्रेरणा क्या होती है आपकी? कौन आपके परिवार में या आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई रिलेशन जो आपको इस हर कुछ नया करने पे प्रेरणा देती है? मेरी प्रेरणा मेरी माँ थी, आज नहीं है. उन्होंने मुझ पे बहुत अपनी मेहनत, अपना वक्त इन्वेस्ट किया है. मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, टीटी नगर मुझे जानता है, उन्हें पता है हाउ मच उन्होंने मुझ पे मेहनत की. और उस मेहनत, उस फील को मेरी एल्डर सिस्टर जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं. मतलब वो मुझे बहुत प्रमोट करती हैं. और ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट अ वेरी गुड हस्बैंड एंड उससे भी ज्यादा मेरे दोनों बच्चे और अभी आने वाली डॉटर इन लॉ. तो ये जो मेरा क्लोज नेट है, इन्होंने, दे आर माय ऑल टाइम फेवरेट फोर्स. मेरे मॉम डैड फ्रॉम हेवन एंड माय इमीडिएट फैमिली फ्रॉम अर्थ एंड माय अंदर की दैट फायर जिसने हमेशा जिंदगी में कुछ करना चाहा. तो दिस इज व्हाट इज माय फोर्स एंड प्रेरणा. आपकी जिंदा दिली ही है. अब अपन बात करते हैं, आपने जो अवार्ड विन किया उसके बारे में. क्या प्रोसीजर था, कहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे उसमें आपने एक ऑडिशन भी दिया होगा, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, वो सब हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए. जी, जैसा कि मैंने बताया कि वो नाइट में मैंने गूगल सर्च करना शुरू किया, फिर अपनी उम्र के लिए कि डू आई यू नो गेट इनटू, आई कैन गेट इनटू दिस और नॉट. तो एलिजिबिलिटी, तो देयर वाज वन मोर क्राइटेरिया जिसमें 40 to 55 दैट इज बीन कॉल्ड क्लासिक कैटेगरी. तो मैंने वो फॉर्म उस दिन भर दिया और कुछ पता नहीं था होना क्या है. एक क्वेश्चनेयर था, वो बड़ा साइकोलॉजिकली डिजाइन होता है. बाय दैट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर. सो देयर आर 10 क्वेश्चंस, दे सेंड इट अक्रॉस एंड यू नीड टू गिव दैट. यू सेंड योर फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, दिस दैट सो एंड सो. एंड आई हैव बीन, मैं हमेशा से एक फिटनेस फ्रीक रही हूँ. मतलब
मुझे ये पेजेंट में जाने के लिए बहुत जिम करना है, ऐसा कोई सीन कभी भी नहीं रहा। हमेशा फिटनेस में रही हूँ, तो जो मैंने पिक्चर्स भेजे वो डेफिनेटली एट पार थे विद माई एज एंड दे लाइक दैट। सो देन उनके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हुए, वीसीज हुए, और ऐसे करके एक 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 स्टेप करते 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 देन फाइनली आई गॉट टू नो कि ओके यू हैव बीन सिलेक्टेड। किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर किए जाते हैं आपसे, उस वक्त क्या रहता है दिमाग में? देखिए, पेजेंट्स हो या ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, मैरिड हो, मिस इंडिया हो, मेरा सिर्फ एक ही निर्णय निकल के आया है, यू जस्ट बी योर सेल्फ। आप फेक आंसर्स नहीं दे सकते, बिकॉज 4000 लोगों में से 50 लिए थे फाइनल राउंड में, तो मैक्सिमम कहाँ आप ड्रॉप होते हो, जब आप फेक, आप जो हो वो हो। तो क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि ब्यूटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, यदि आप हमारे चैरिटी एम्बेसडर बनते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, आपकी फैमिली लाइफ का, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर द वेकेशन। नाउ इफ यू रियली सी, ये हर चीज आपके पर्सनालिटी को खोलती है, निकालती है बाहर। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट यू थिंक अबाउट ब्यूटी, एंड यू टेल मी दैट समबडी हू इज वेरी ब्यूटीफुल लुक्स एक्चुअली ब्यूटीफुल, बट देन इफ यू रियली सी दैट ब्यूटी इज जस्ट शॉर्ट लिव्ड। यदि उस इंसान से आपने बात किया, बहुत खूबसूरत इंसान से आपने बात किया, और अगर कड़वा बोल रहा है तो उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं। एग्जैक्टली, तो समबडी हु इज कंपैशनेट, जिसके अंदर प्यार है। कंपैशन को हम गलत समझ लेते हैं, प्यार पहली स्टेज होती है, जब वो प्यार मुझसे और मैं से बाहर निकलता है कि मेरे बच्चे मेरे नहीं, जितने बच्चे हैं सब मेरे हैं, तब वो प्यार कंपैशन में कन्वर्ट होता है। जब वो कंपैशन डेवलप होता है तो आपकी जो ऑरा होती है वो खूबसूरत होती है, आपका व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं। तो जब आप इस तरह का एक्चुअल जो आपके अंदर का आंसर है आप वो लिखोगे, तो उनको वो समझ में आएगा कि ये इंसान क्या है। सो दीज क्वेश्चन आर वे साइकोलॉजिकली मेड क्वेश्चन, वो आपके अंतर को पूरा जान लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आपको पेजेंट में लेना है या नहीं। इस पूरे कंपटीशन में आपने दिल्ली में जो पार्टिसिपेट किया, कितना वक्त लगा आपको वहां पर, और फैमिली कैसे मैनेज की उस बीच? 4 महीने ये प्रिपरेशन चली। लास्ट मंथ में मेरे फादर इन लॉ, ही वाज ड्यू फॉर हाइड्रोसीलन हर्निया सर्जरी, एंड इट वाज मैसिव। सो ऐसा नहीं हुआ कि पेजेंट है या इतना बड़ा है तो हम टाल दें, हम 15 दिन के बाद सर्जरी करा लेंगे, नहीं। आई जस्ट रिक्वेस्टेड माई हस्बैंड कि सी, ही वॉज इन कारगिल, आई सेड सी एवरीथिंग कैन बी मैनेज, ओनली 5 दिन मैं यहाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ मतलब नहीं हूँ, और फोन भी अलाउड नहीं था वहाँ, तो हम बात भी नहीं कर सकते थे, तो कोई इमरजेंसी है तो बात अलग, अदरवाइज फोन हम नहीं लेते थे हाथ में, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर इन प्रैक्टिस सेशन और सम राउंड और समथिंग गोइंग ऑन, मॉर्निंग 6 o'clock टू टिल नाइट 12 o'clock समथिंग, यूजुअली ऑलवेज ऑन फॉर 4 days. So he was very fine with it. He came, we got the surgery done. Husband रहे, फिर उसके बाद 2 दिन बेटे ने छुट्टी ली, दादाजी को उसने लुक आफ्टर किया, फिर उसे छोटे बेटे ने छुट्टी ली, उसने लुक आफ्टर किया। सो इट वॉज लाइक द ड्यूटी वॉज डिवाइडेड इन टू द एंटायर फैमिली, एंड ये मुझे पेजेंट की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है कि यहाँ पे मैं गई तो मैं ये जान पाई कि एक इंसान के लिए जब सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। सही कहा है, बगैर फैमिली सपोर्ट के कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन होता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भारती से चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और भारती से चर्चा हमारी जारी है। भारती, कई मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कई चीजें होती हैं, कई अवार्ड्स होते हैं, तो क्या क्या कैटेगरीज होती हैं अवार्ड्स की? जी, फर्स्ट 3 होता है, फर्स्ट जो आता है उसका टाइटल होता है मिसेज इंडिया अर्थ, एंड देन रनर अप होते हैं फर्स्ट रनर अप एंड सेकेंड रनर, मेन तो ये टाइटल्स होते हैं। इसके अलावा ब्यूटिफुल स्माइल, इंटेलिजेंस, हेयर, बॉडी, इकोवेयर जो एक राउंड होता है जो हम अभी बात करते हैं उसका होता है।
तो इस तरह से अलग अलग कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसमें दो तीन क्रिएटिव टाइटल होते हैं, जैसे बेस्ट इकोवेयर का डेफिनेटली एक क्रिएटिव टाइटल होता है। इसी तरह मिसेस ट्रेंड सेटर भी एक क्रिएटिव टाइटल होता है, बिकॉज यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि समबडी हैज अ वेरी गुड स्किन, फाइन। पार्थी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी जो आप दर्शकों को प्लीज बताइएगा, क्या है ये ट्रेंड सेटर अवार्ड, किस बेस पे दिया जाता है? ट्रेंड सेटर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, समवन हु इज सेटिंग अ न्यू ट्रेंड। तो जब हम वहां जाते हैं, ये चार दिन की प्रोसीजर होती है, जब हम जाते हैं जिस दिन से, और उसके पहले चार महीने पहले से जब हम फॉर्म भरते हैं और टास्क हैंडल करते हैं, वहां से हमारी स्क्रीनिंग, मतलब हम अंडर द कैमरा होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी की स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है कि इस इंसान में क्या है। तो आपने कैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने जर्नी को किस तरह रास्ता दिया है, किन हर्डलों से आप निकल के आए, हम सब चीज शेयर कर रहे होते हैं। पिछले चार महीने में हर चीज हमारे साथ जो हो रही है वो पेजेंट के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजों को जज किया जाता है। इसके अलावा इनिशिएटिव की बात करें तो आपको बताऊं, एक राउंड था इको वेयर राउंड, इको फ्रेंडली मटेरियल से ड्रेस बनानी थी। तो जब ये बात चल रही थी तो कई तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे थे कि पेपर के ड्रेसेस होते हैं या गत्ते के ड्रेसेस हो सकते हैं या जो टाट बोरी होती है उसके ड्रेसेस बन सकते हैं, ये सब मैं सोच रही थी। इसी बीच में फेसबुक पे हमारे फ्रेंड्स भी हैं और छोटा भाई जैसे हैं, मिस्टर प्रवन देशवान पांडे, उनका एक बहुत सुंदर स्टूडियो है रतिबर में, आर्वन इनकॉर्पोरेशन के नाम से, एंड ही इज वर्किंग फॉर ट्राइबल म्यूजियम, एंड बहुत सुंदर उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन्होंने फेसबुक पे कुछ पिक्चर अपडेट किए थे और उस पिक्चर में मैंने देखा एक पिलर था और वो पिलर पूरा नीचे से रस्सी से बिना हुआ और छत को मर्ज कर गया था। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फोन को उल्टा किया और मुझे लगा कि ये तो लेडी का एक गाउन, मुझे ऑफ शोल्डर गाउन एक ऑफ शोल्डर इवनिंग गाउन मिल गया। एग्जैक्टली। सो जब मैंने इनसे बात किया तो अपनी इच्छा जाहिर थी, हालांकि मैंने पहले ये कभी किया नहीं था तो थोड़ा सा झिझक थी। फिर मैंने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना साथ में, मैं बताती जाती हूँ, आप करो और ये होगा। और आई एम रियली थैंकफुल सूरज कोरकू, आदिवासी सेक्टर से हैं, आठवीं पास है और उसने ये काम हाथ में दिया। सच अ स्वीट बॉय, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा द वे उन्होंने किया। ये बात अलग है कि जब वो बना तो वो थोड़ा सा टाइट हो गया था, एंड देन आई हैड टू ओपन ओवरनाइट, मैंने उसको खोला एंड खोल के फिर मैंने उसे उसका शेप चेंज किया। तो उसमें आई केम एज अ मदर अर्थ, तो मदर अर्थ में हमने जो क्राउन बनाया था वो पेपर से और झाड़ू को काट के और रोजवुड के फ्लावर्स लगा के उसको हमने मुकुट बना के माउंटेन दिखाया। जो ड्रेस थी सुतली की वो मदर अर्थ के फॉर्म में थी, उसमें बीच में ब्लू कलर था सुतली में, दैट वॉज शोइंग रिवर, और अंदर एक ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी, दैट वॉज शोइंग धरती के अंदर जो पानी है वो। तो सिर पे माउंटेन्स हो गए थे, पर्वत श्रेणी थी, मदर अर्थ का चोला था और अंदर पानी था, और उसके अलावा जो ज्वेलरी थी वो भी रोजवुड की थी। उसका कंसेप्ट ये था कि आज हम मर भी जाते हैं तो जमीन में जाते हैं, धरती ने हमें कभी भी इग्नोर नहीं किया है, मौत के बाद भी धरती नहीं कहती कि तुम मुझ में नहीं समा सकते। तो वो जो डेब्रीज थे, वो डेब्रीज को ज्वेलरी के फॉर्म में सीने के नजदीक हार बना के रखा हुआ था और हाथ में मिट्टी का सूरज था, बिकॉज सूरज नहीं तो धरती पर जिंदगी नहीं। तो ऐसे ये पूरा कंसेप्शुअलाइज थॉट्स थे, इसलिए आप बिना जब अवार्ड घोषित हो रहे थे उस वक्त आपको जो द ट्रेंड सेटर का अवार्ड दिया गया, क्या फील हुआ था उस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से आती हूँ और हमारी कम्युनिटी में स्पेशली इतना बोल्ड डिसीजन लेके नहीं कोई जाता है, एंड मोर ओवर समवन हु इज फ्रॉम
वेरी नॉर्मल रूटीन, गोइंग फॉर अ पेजेंट, ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। तो उसमें इस मतलब इतने करेज के बाद, वहां पे पहुंचने के बाद, उनका ये एनालिसिस विच इज गॉन वेरी राइट टू मी फॉर ईच एंड एवरी जंक्शन, मैंने जो नया नया इनिशिएटिव लिया था, तो मुझे लगा कि हाँ ये देव डन जस्टिस। एंड एक्टर अमन वर्मा वॉज देयर एंड म्यूजिक डायरेक्टर समीर वॉज देयर, और उन्होंने जब ये क्राउन दिया तो आई फेल्ट रियली हैप्पी एंड प्राउड दैट यस दिस वॉज द कैटेगरी। वो जो खुशी होती है शायद उसको इमेजिन कर पाना भी अभी फिलहाल मेरे बस में नहीं है। भारती, एक चीज और, आपने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन महिलाएं घर में शादी के बाद अपने आप को घर में बंद कर देती हैं और सोचती हैं कि अब हमारे बस के कुछ नहीं रहा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आइडियली मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जैसी उन महिलाओं के लिए और बाकी जो घर में है उनके लिए काम कर सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो कि मैं महिला हूं, मैं घर में बंद हूं, ये सोचना छोड़कर सिर्फ 2 मिनट मेरे साथ मेरे एक सोच को सोच के देखें। आप क्रिएटर हैं, बच्चे को पैदा करने की क्षमता भगवान ने महिलाओं को दी, बिल्कुल है ना, और उस बच्चे को बड़ा करके एक सही इंसान बनाने की ताकत भी महिला के पास है। आज हम क्राइम की बात करते हैं सोसाइटी में, यदि मैं ये चिंता छोड़ दूं कि मेरे बेटे को कैसी बेटी मिलेगी और मैं इस पे ध्यान दूं कि मेरा बेटा ये लायक बने कि उसकी जिंदगी मतलब वो किसी के लिए एक अच्छा इंसान बन सके, तो वो बच्चा अपने आप ही क्राइम से अलग होगा। तो जब इतनी ताकत हमारे पास है तो हमें बंधना क्यों है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि रिवॉल्यूशनरी होके अपने परिवार को साइड करके बस बाहर निकल जाओ, नहीं, बहुत प्यार से हम धरती हैं, बहुत प्यार से हम अपने परिवार के साथ उनको समझा के भी अपनी राहें आगे बना सकते हैं। और जरूरी नहीं है, ब्यूटी है, स्किल्स हैं, और आप यदि कोई क्रिएटिविटी में है वो है, आप बच्चों के साथ अच्छा डील कर सकती हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट एक ट्रेट दिया है, आपको पहचानना आपके अंदर क्या है और वो पहचान के आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। कोई जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए घर में बैठने की कि हम महिलाओं के बतौर पैदा हुए हैं, हम खुश नसीब हैं कि हम महिलाएं हैं। आई वुड लव मतलब मैं तो फिर दोबारा जन्म भी औरत का मिलेगा तो बड़ी खुशी से लूंगी, क्योंकि शायद सोसाइटी में और कुछ अच्छे से अच्छा देने की कैपेसिटी ऊपर वाला दोबारा देगा। सो जस्ट ब्रेक योर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ थॉट, आप बंधा हुआ मत महसूस करो, हाँ फैमिली को साथ मिलेगी। भारती, आपने एक अवार्ड विन किया, पूरा भोपाल आप पर गर्व करता है, लेकिन आप एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं, इसका आपको कितना गर्व है? बहुत ज्यादा। आर्मी ऑफिसर की वाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। हाफ ऑफ द टाइम 29 इयर्स प्लस हो गए हैं मेरी शादी को, हाफ ऑफ द टाइम माय हस्बैंड वाज नॉट देयर, कई बड़ी सर्जरीज हैं, घर में बीमारी है, कुछ भी होने दीजिए, वो नहीं होते थे। तो ये जो बिल्ट हुई, पहली बात जो ये मेरी पर्सनैलिटी बिल्ट हुई बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर के रूप में, तो ये सर्कमस्टांसेस ने बनाया। बट एट द सेम टाइम उनके कंधे पे वो जो स्टार्स और जब वर्दी पहन के जब वो श्रीनगर की वैली में जाया करते थे, या अभी भी कारगिल में मैं देखती हूँ, मैंने एक बहुत सुंदर सी पोएम भी लिखी थी जवानों के लिए, तो जब वो निकलते थे तो मुझे लगता था कि कई जिंदगियां कुर्बान, यदि इस तरह से आई कैन सर्व अ पर्सन एंड आई कैन हेल्प जो भी ड्यूटीज में कर रही हूँ वो करके यदि मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था आधी सैनिक तो मैं खुद ही बन गई। तो दिस इज समथिंग ग्रेटेस्ट थिंग विच कुड हैपन टू माई लाइफ, दैट आई एम अ प्राउड आर्मी ऑफिसर्स वाइफ एंड रादर आई शुड से सोल्जर्स वाइफ। भारती जी, अभी आपने बताया कि आपने कविता लिखी है जवानों के लिए, तो आप थोड़ी सी कविता अगर हमारे दर्शकों को सुनाएं।
जी हाँ, जो जवान कारगिल में और सियाचिन सेक्टर में जो पोस्ट होते हैं उनको मैंने आंखों से देखा, तो उनकी फीलिंग्स मैंने शब्दों में व्यक्त करना चाही थी। दो दो फीट बर्फ में धंसते सफेद जूते और जिस्म पर कई किलो का लबादा, क्या सोचते हो तुम ये जानती हूँ मैं। मुस्तैदी से खड़े हिफाजत की राह में कितना जागते हो तुम ये जानती हूँ मैं। सुबह का कभी गुस्सा तो कभी दोपहर की मस्ती और कभी रात की तैनाती, ये जानती हूँ मैं। कभी जाम के सुरूर में पत्नी का पाकीजा बदन बाहों में, तो कभी सरहदों पे चलती दंदनाती दुश्मन की गोलियां। और सुबह बदहवास हाल भी हो तो तैनाती पे भागते, क्या सोचते हो तुम ये जानती हूँ मैं। कभी घर में बूढ़ी माँ का खाली पलंग, तो कभी कंधे पे झूलती वो बच्ची की यादें। फिर भी सियासी चालों से दूर सिर्फ देश की राह में भागते, क्या सोचते हो तुम ये जानती हूँ मैं। मेरे देश के मुस्तैद जवान, चाहे कुछ भी हो, मेरी जागीर, इस देश की जागीर बस ही तुम ही हो, ये जानती हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी ही इतने जज्बाती शब्दों को बयां कर सकती है। ये हमारे साथ भारती हैं और भारती की बातों से लगता है कि कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाने की। चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़।